नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं? आइए आज कुछ नया पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। एक चींटी और हाथी दोस्त थे, दोनों जंगल में रहते थे। उसी जंगल में एक तालाब भी था। एक दिन हाथी नहाने के लिए तालाब में गया और थोड़ी ही देर बाद चींटी तालाब के किनारे आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाथी बाहर निकल, हाथी बाहर निकल। हाथी ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसकी बात सुनी ही नहीं। चींटी गुस्सा हो गई, तुम मेरे मित्र हो तो बाहर निकलो। हाथी तंग आकर तालाब में से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, क्या बात है चींटी, तुम मुझे नहाने का आनंद क्यों नहीं लेने दे रही हो? तब पता है चींटी ने क्या कहा? चींटी ने कहा, मैं देखना चाहती थी कहीं तुमने मेरे कपड़े तो नहीं पहन लिए। एक और चुटकुला है मेरे पास, उसका भी आनंद लीजिए। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि कल सभी बच्चे गाय पर निबंध लिखकर लाएंगे। दूसरे दिन एक विद्यार्थी कक्षा में विलंब से पहुंचा। जब वह आया तो एक गाय को लेकर कक्षा में आया जिस पर निबंध लिखा था। सभी बच्चे हंसने लगे। देखिए, वह विद्यार्थी गाय को लेकर कक्षा में आया और गाय के शरीर पर उसने निबंध शब्द लिख दिया था। अध्यापक ने क्रोधित होकर जब पूछा तो उसने कहा कि आपने ही तो कहा था कि गाय पर निबंध लिखना है, मैंने वही तो किया है। जरा मुस्कुराइए। तो बच्चों, अभी आपने दो चुटकुले सुने। चुटकुलों से हमारा मन हल्का होता है, हमारा मन आनंद से भर जाता है। जो बच्चे रोनी सूरत बनाकर बैठे रहते हैं उनको पढ़ाई भी समझ में नहीं आती है। समय पर उठना, समय पर काम करना और जीवन में हंसते रहने से आप सफल हो सकते हैं। हास्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसीलिए हंसते रहने से आपके जीवन में खुशी आती है, परेशानियां आपसे दूर रहती हैं और आप कोई भी काम बड़ी ही सरलता से पूरा कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक इकाई है जिसमें कुछ चुटकुलों के बारे में बताया गया है। इकाई 3, जरा मुस्कुराइए। 3 चुटकुले आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। और भी कई चुटकुले कथन के स्वरूप में लिखे गए हैं, उनसे संबंधित एक वीडियो मेरे पास है, आप उसको देखिए और उसमें वही चुटकुले हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। उनको ध्यान से सुनिए और दिल खोल कर हंसिए, क्योंकि आपकी इकाई का नाम ही है जरा मुस्कुराइए। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। सोनू का सिर फट गया। यह कैसे हुआ? मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। जरा ऊंचा बोलो। माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मैं तो पढ़ने में ही इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला।
आप कहाँ जा रहे हो? मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? मैं आशा करती हूँ आपने ध्यान से देखा है और चुटकुलों का आनंद लिया है। बच्चों, आप समाचार पत्र आपके घर में पढ़ते होंगे, आपके पिता माता, आपके दादा दादी या जो भी बड़े आपके साथ घर में रहते हैं वह भी समाचार पत्र पढ़ते होंगे, और समाचार पत्रों में, सामायिकों में अलग अलग तरह के चुटकुले आते हैं। आप सब एक काम करना, उन सभी चुटकुलों को काट कर उनका एक संग्रह बनाइएगा और आप अपनी कक्षा में उसको विद्यार्थियों के सामने, शिक्षक के सामने सुना सकते हैं और सभी के मन को आनंद प्रदान कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इन चुटकुलों वाले पाठ्य पुस्तक में कुछ अभ्यास की प्रवृत्तियां भी दी गई हैं, और इन अभ्यास की प्रवृत्तियों में हम क्या नया सीखेंगे यह तो देखने से ही पता चलेगा। अब अभ्यास की प्रवृत्तियां मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक वाक्य कहती हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि मैंने क्या कहा है। मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूं। इस वाक्य को हम दूसरे साधारण ढंग से भी कह सकते थे कि मैं अपनी माँ को बहुत प्यारी हूं या मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, पर इसकी जगह पर हमने आंखों का तारा, एक ऐसे शब्द समूह का प्रयोग किया है जिससे हमारा जो वाक्य है वह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। सही है ना बच्चों? तो हमारी बातों को किसी के सामने रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मुहावरों के उपयोग से हम उन तरीकों में बदलाव ला सकते हैं। शब्दों के समूह जो वाक्य की रचना को, वाक्य की सुंदरता को, उसके अर्थ को नया जीवन देते हैं, नया अर्थ देते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरे जब वाक्य में लग जाते हैं तो वाक्य एकदम दमदार और प्रभावशाली हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ मुहावरों के बारे में और उससे संबंधित अभ्यास की प्रवृत्ति के बारे में। हम अपनी बात दो प्रकार से कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, कक्षा में प्रथम आने पर जशु को बहुत खुशी हुई। यह एक साधारण वाक्य है। इसी वाक्य को मैं किसी और तरह से भी पढ़कर सुनाती हूँ। ध्यान से देखिए, कक्षा में प्रथम आने पर जसु फूला न समाया। अब देखिए, लाल अक्षर से जो शब्द लिखे गए हैं दोनों वाक्यों में, उनको आप ध्यान से देखिए। पहले जो ऊपर वाक्य लिखा है उसमें बहुत खुशी हुई, इन तीन शब्दों को मैंने लाल अक्षर से लिखा है, और जो नीचे वाक्य लिखा है उसकी जगह पर मैंने लिख दिया है फूला न समाया। तो बच्चों, हमें यहाँ एक मुहावरा मिलता है, फूला न समाना। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना, अधिक प्रसन्न होना। मैं आपसे एक बात कहूँ, आपको पढ़ाते समय मैं फूली नहीं समाती हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको पढ़ाते समय मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती हूँ। मेरी माँ मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसे देखकर मैं फूला नहीं समाता। तो इस मुहावरे को आप ध्यान से समझिए, फूला न समाना, उसका अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना, अधिक प्रसन्न होना। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं कि वाक्य में यदि हम मुहावरा लगा दें तो वाक्य की रचना कैसे अधिक सुंदर हो जाती है। आइए देखते हैं। हमारा दूसरा उदाहरण है, ऊंची इमारत को देखकर निशा को बहुत आश्चर्य हुआ। अब इसी वाक्य को जो मैंने तीन शब्द लाल अक्षर में दिखाए गए हैं उसकी जगह पर एक मुहावरा रखूंगी, तब आप देखिए कि वाक्य किस तरह से बदलेगा और कितना प्रभावशाली बनेगा। देखिए, ऊंची इमारत को देखकर निशा ने दांतों तले अंगुली दबा ली।
तो यहाँ हमें दूसरा मुहावरा मिलता है, दांतों तले अंगुली दबाना। इसका अर्थ यह नहीं है कि निशा ने इमारत को देखकर अपनी अंगुली अपने दांतों के बीच रख दी। यह एक कहने का तरीका है कि हम किसी बहुत ऐसी अजायबी चीज वस्तु को देखते हैं तो हम एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यदि हमें उस बात को दूसरे ढंग से कहना है तो हम उसके लिए किस मुहावरे का उपयोग करते हैं, उसी का जो अभी आपने देखा, दांतों तले अंगुली दबा लेना। जैसे मान लीजिए कि आप भारत देश के बाहर कहीं प्रवास करने जाते हैं और वहाँ बहुत ऊंची इमारत, बहुत नए नए तरह के मकान, कोई ऐसा जानवर जिसे आपने पहले ना देखा हो और आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएं, तो आप अपने मित्र को फोन पर या शिक्षक को वर्ग में कह सकते हैं कि उस जानवर को देखकर मैंने तो अपने दांतों तले अंगुली दबा ली। इसका मतलब यह होगा कि आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे। तो बच्चों, आपने देखा मुहावरों के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें भी नए शब्द जानने को मिलते हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए, नए नए मुहावरों का संग्रह करिए, उनको अपनी नोटबुक में लिखिए और उनके अर्थ को भी समझिए। चलिए आगे देखते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। यह बात मैं आपको पिछले उदाहरणों में कहती आई हूँ और आप इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि आपके शिक्षक या मित्र आपसे पूछे कि हर वाक्य में या कुछ कुछ वाक्यों में आप मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हो, तो आप कह सकते हो इससे मेरा वाक्य प्रभावशाली बनता है, सुंदर बनता है, नए नए अर्थ जानने को मिलते हैं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास की प्रवृत्ति का प्रश्न 2 आप देख सकते हैं आपके सामने। आइए मैं उसका पठन करती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आइए मैं परिच्छेद पढ़ती हूँ। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कापी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आप सबने ध्यान से सुना बच्चों? अब जो प्रश्न 2 में हमें सूचना दी गई है कि हमें मुहावरे ढूंढने हैं और सिर्फ ढूंढकर खत्म नहीं कर देना है, उनका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो चलिए एक बार मैं फिर से पहला वाक्य पढ़ती हूँ। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो यहाँ आपको मुहावरा मिल रहा है बच्चों, बिल्कुल सही, आंखों का तारा, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चों। आगे देखते हैं। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। कौन सा शब्द है जो वाक्य को खूब प्रभावशाली बना रहा है? कमर कस के, बिल्कुल सही। तो यह हमारा दूसरा मुहावरा है। आइए आगे देखते हैं। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। तो देखिए, एक शब्द समूह है जो नया है आपके लिए, ईद का चांद, बिल्कुल सही। यह हमारा इस परिच्छेद का तीसरा मुहावरा है। आगे देखते हैं। महेश आस्तीन का सांप निकला, आस्तीन का सांप, यह भी एक मुहावरा है। और आगे क्या हुआ देखिए। और
वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। नजर चुरा के, बिल्कुल सही। तो अब तक हमने 5 मुहावरे ढूंढ लिए हैं, आइए आगे देखते हैं। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला, यह एक नया शब्द समूह जो आपके वाक्य को प्रभावशाली बना रहा है। तो देखिए बच्चों, आंखों का तारा, कमर कस के, ईद का चांद, आस्तीन का सांप, नजर चुरा के और अंत में आग बबूला। तो आपने देखा विद्यार्थी मित्रों, 5 वाक्य के छोटे से परिच्छेद में हमें कितने मुहावरे मिले? 6 मुहावरे मिले। ये सभी शब्द समूह हमारे इस छोटे से परिच्छेद को कितना सुंदर, प्रभावशाली और अभिव्यक्ति के तरीके को बदल देते हैं। जब हम इन शब्दों के साथ इस परिच्छेद को पढ़ रहे थे तब आपको खूब आनंद आया होगा और ऐसा लग रहा होगा कि इस परिच्छेद में ऐसा क्या है, बहुत नया है, कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ नया जानने को मिलेगा। तो मुहावरे जो हैं वो हमारे वाक्य को सुंदर और सजीव बनाते हैं। अब इन मुहावरों को ढूंढ लिया है तो यहाँ पर तो हमारी बात खत्म नहीं होगी, उनके अर्थ पढ़ने पड़ेंगे और वाक्य रचना भी देखनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके सभी मुहावरों के अर्थ को हम देखेंगे और उनसे बने वाक्य का आनंद लेंगे। चलिए देखते हैं। आंखों का तारा, आप सभी अपनी माँ की आंखों के तारे हैं, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। आगे जो कुछ उदाहरण दिए उसमें यह मुहावरा आप देख चुके हैं। अब इसका वाक्य मैंने बनाया है, देखिए क्या वाक्य बन रहा है। पायल उसकी माँ की आंखों का तारा थी। इसको आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, पायल उसकी माँ की बहुत प्यारी थी। चलिए जो दूसरा मुहावरा हमें इस परिच्छेद में मिला, आइए उसको देखते हैं। ईद का चांद, यह आपके लिए कुछ नया है। ईद का चांद होना, मैं 21 दिन के अवकाश के बाद आपसे मिलने आई, तो आपने तो सोचा होगा मैडम ईद का चांद हो गई हैं, बहुत दिन तक दिखाई न देना। जब आपका कोई मित्र बहुत दिनों बाद आपसे मिले तो आप उसको कह सकते हो, अरे मित्र तुम तो ईद का चांद हो गए हो। यह भी एक वाक्य है। और मैंने एक और वाक्य बनाया है, विवाह के बाद मेरी दीदी तो ईद का चांद हो गई है, मतलब वह हमें ज्यादा बार मिल नहीं पाती हैं। चलिए आगे का मुहावरा देखते हैं। आस्तीन का सांप, यह भी आपके लिए बिल्कुल नया है और समझने लायक है। इसका अर्थ है बच्चों धोखेबाज होना। कई बार हम अपने किसी मित्र पे, पड़ोसी पर या जानने वाले पर विश्वास करते हैं और हमें उनसे यदि धोखा मिलता है तो जिससे अपेक्षा न की हो तो उसके बारे में यदि हमें लिखना हो तो हम लिखते हैं कि यह व्यक्ति आस्तीन का सांप निकला। कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन है तो वह तो पता ही है कि वह हमारे साथ गलत कार्य करेगा, लेकिन जिस पर हमें विश्वास हो और वह हमें धोखा दे उसके लिए हम इस मुहावरे का उपयोग करते हैं, आस्तीन का सांप होना। देखिए इसके लिए मैंने क्या वाक्य बनाया है, मित्रों के समूह में आस्तीन के सांप से बचकर रहना चाहिए। यानी हमेशा ध्यान रखिए कि कौन धोखेबाज है और कौन सच में आपका मित्र है। आगे देखते हैं, नजर चुराना, इसका अर्थ है बचकर निकलना या छिपकर कोई काम करना। आप कुछ भी लिखिए आपका जवाब सही होगा। देखिए इससे संबंधित वाक्य रचना से आप अर्थ अच्छे से समझ पाएंगे। गृह कार्य न करने पर विद्यार्थी शिक्षक से नजर चुरा के भाग गए। आपने कभी ऐसा किया है? सब कह रहे होंगे हाँ मैडम, कभी कभी तो किया है, लेकिन नहीं करना चाहिए बच्चों। गृह कार्य हमेशा करना चाहिए, वह आपके फायदे के लिए होता है। तो नजर चुराना मतलब छिपकर निकल जाना या किसी से बचकर निकल जाना। अब अंत में शिक्षक आग बबूला हो गए थे, वह भी मुहावरा हमको मिला था, आग बबूला होना। आग बबूला, ज्यादा क्रोधित होना।
सामान्य हम जो गुस्सा करते हैं उसके लिए हम यह मुहावरा नहीं लिख सकते बच्चों। आग बबूला होना मतलब यदि हमें सामान्य क्रोध से अधिक क्रोध आ रहा है, जो हम जब हम हमारा क्रोध हमारे वश में ना हो उसे हम कहते हैं आग बबूला होना। तो परीक्षा में रमेश नकल कर रहा था तो यह देखकर अध्यापक आग बबूला हो गए, मतलब वे अत्यंत ज्यादा क्रोधित हो गए। आइए इसके वाक्य रचना देखते हैं। परीक्षा का परिणाम अच्छा न आने पर मेरे पिता आग बबूला हो गए। ऐसा होता है ना बच्चों, जब हमारे माता पिता हमसे अपेक्षा करते हैं अच्छे परिणाम की, और यदि हम अपनी ही गलती के कारण अच्छा परिणाम ना लाएं, अपने आलस्य के कारण पढ़ाई ना की हो, तो हमारे माता पिता आग बबूला हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? उन्हें सामान्य क्रोध से ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि वे हमारे जीवन के लिए चिंतित हैं। सही है ना बच्चों? तो इस परिच्छेद में हमने 6 मुहावरों का पठन किया, उनके अर्थ लिखे और उनसे संबंधित वाक्य भी बनाए हैं। वाक्य प्रयोग करने का अर्थ आप जानते ही हैं कि हम जिस भी शब्द का या मुहावरे का वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो वह मुहावरा वाक्य आप बना रहे हैं उसके अंदर वह आना चाहिए, उसी को हम वाक्य प्रयोग करना कहते हैं। अब आपके लिए गृह कार्य भी है, मैं कुछ और मुहावरे और उनके अर्थ आपके लिए लेकर आई हूं, उनसे संबंधित वाक्य आपको घर पर बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। शांति से आप कॉपी और पेंसिल ले लीजिए और आपके स्क्रीन पर जो मुहावरे और अर्थ लिखे हुए आ रहे हैं उन्हें लिख लीजिए और उससे संबंधित अच्छे वाक्य बनाइए और अपने शिक्षक को और अपने मित्रों को फोन पर सुनाइए। तो आइए देखते हैं गृह कार्य के लिए मैं कौन से मुहावरे लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी ताकि आप आराम से लिख सकेंगे बच्चों। पहला मुहावरा है मुंह में पानी आना। पढ़ते पढ़ते तो मुंह में पानी नहीं आ रहा, शायद रसोई घर से कोई खुशबू आ रही है, आपकी माता आपके लिए कुछ अच्छा बना रही हैं। मुंह में पानी आना, ललचा जाना, किसी चीज को पाने की लालच होना, कोई अच्छी चीज देखकर उसे अपने पास रखने की लालसा करना, मुंह में पानी आना मतलब ललचा जाना। अगला मुहावरा है आसमान सर पर उठाना। क्या कोई आसमान सर पर उठा सकता है बच्चों? नहीं, यह तो बात कहने का एक तरीका है, इसे हम मुहावरा कहते हैं और इसका अर्थ है बहुत शोर करना। यदि आपने किसी दुकान पर कोई ऐसा वस्त्र देखा है जो आपको बहुत पसंद है और आप वह खरीदना चाहते हैं और आपके पिताजी ने कहा है कि नहीं इस त्योहार पर तो हम वह नहीं खरीदेंगे, तो आप आसमान सर पर उठा लेते हैं, मतलब आप बहुत शोर करते हैं कि नहीं मुझे तो वह चाहिए ही चाहिए। देखिए मैं आपको वाक्य प्रयोग के लिए भी उदाहरण देती जा रही हूँ बच्चों, अच्छे अच्छे वाक्य बनाइएगा आप। चलिए तीसरा मुहावरा क्या है, पेट में चूहे कूदना। आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों पर मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं, आपके भी पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब बहुत भूख लगना। आपको पढ़ाने के बाद मैं तुरंत कुछ अच्छा खाने वाली हूँ जिससे मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। पेट में चूहे कूदना उसका अर्थ है बहुत भूख लगना। चौथा मुहावरा है आंखें लाल करना, क्रोध नजर से देखना। बच्चों यहां पर मैं आपको एक बात सूचित करना चाहती हूँ, अभ्यास की प्रवृत्ति के परिच्छेद में हमने एक मुहावरा पढ़ा था आग बबूला होना, और यहाँ एक मुहावरा आया है आंखें लाल होना। दोनों में क्रोध शब्द जो है वह आ रहा है, पर आंखें लाल करने का मतलब है किसी को क्रोध की नजर से देखना, शब्दों का उपयोग न करके क्रोध की नजर से देखना, अपना क्रोध बिना शब्दों के व्यक्त करना। और आग बबूला होने का अर्थ है कि आप शब्दों के साथ और अपने हाव भाव के साथ भी शाब्दिक आप अपने गुस्से को प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों में गुस्सा शब्द जो है, क्रोध शब्द जो है, वह एक ही है, लेकिन
दोनों के अर्थ में और गुस्से के परिवेश में बहुत ही फर्क है, तो इन दोनों मुहावरों के भिन्नता को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अंत में मैंने जो दिया है मुहावरा आपके लिए वह है सिर पकड़कर बैठ जाना, मतलब निराश होना। कई बार हम जो काम सोचते हैं वह हम नहीं कर पाते तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो यदि इस बात को हमें किसी को कहकर दर्शाना है तो हम इस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं, सिर पकड़कर बैठ जाना। मैं आशा करती हूँ आपने अपनी नोटबुक में ये सभी मुहावरे और अर्थ अब तक लिख लिए होंगे। एक बार और यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको पांचों मुहावरे एक बार और पढ़कर सुना देती हूँ। आइए सुनते हैं। अर्थ नहीं बोलूंगी, अर्थ आप खुद सामने पढ़िएगा। मुंह में पानी आना, बिल्कुल अच्छे, शाबाश बच्चों। आसमान सर पर उठाना, अभी आप वही कर रहे हैं। तीसरा मुहावरा है पेट में चूहे कूदना, चलिए अर्थ पढ़िए घर पर, वेरी गुड। आंखें लाल करना, बिल्कुल सही। सिर पकड़कर बैठ जाना, बहुत अच्छे। तो बच्चों वाक्य प्रयोग आप इन पांचों मुहावरों का करेंगे। कभी भी आप सिर पकड़कर नहीं बैठेंगे, इसका मतलब आप कभी भी निराश नहीं होंगे। पेट में चूहे कूदेंगे तो आप खाना खाइए, सही बात है। किसी की तरफ अपनी आंखें लाल मत करिए, मतलब किसी को क्रोध की नज़र से मत देखिए, ठीक है। तो देखिए इन सभी मुहावरों का हमारे जीवन की अच्छी आदतों के लिए भी कितना असरकारक है, और इन मुहावरों से हम अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इकाई तीन जरा मुस्कुराइए कि जो बाकी की प्रवृत्तियां हैं वह हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे अच्छे मुहावरों का संग्रह करिए, समाचार पत्र में से चुटकुले काटकर उनका संग्रह कीजिए, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, पर पढ़ते भी रहिए। टाटा। अब देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न इस प्रकार है, मैं तो पढ़ने में मगन था, वाक्य में मगन शब्द का अर्थ क्या है? अब विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है मग्न, दूसरा विकल्प है प्रसन्न, तीसरा विकल्प है निराश, और चौथा विकल्प है उदास। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें जरूर भेजिए। धन्यवाद।